ठाकुर जी, G20 के होस्ट हैं हम, प्रेसिडेंसी है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि शायद चीन के राष्ट्रपति नहीं आएंगे, पुतिन जी रशिया से नहीं आएंगे, व्हाट डू यू थिंक विल दिस इम्पैक्ट द टेकअवेज फ्रॉम द G20 समिट? देखिए, G20 बहुत सारे देशों की भागीदारी है, ग्लोबल गुड के लिए इसका एजेंडा है, और भारत ने जिस स्तर पे G20 का आयोजन किया ना दुनिया का कोई देश कर पाया है और ना ही दुनिया का कोई देश इस स्तर पे कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत रुचि लेके एक एक चीज पर ध्यान देना, और इसमें करोड़ों भारतीयों की भागीदारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभी राज्यों यूनियन टेरिटरीज के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों में 3000 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों का आना, इतना सफल कला संस्कृति साहित्य परंपराओं को दुनिया को अवगत कराना भारत की, फिर भारत की डिजिटल पेमेंट डिजिटल करेंसी हो या हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात हो, वो दुनिया देख के एक तरह से हैरान भी होती है, आश्चर्यचकित भी होती है, तो नई उम्मीद भी भारत में देखती है। वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी डिलीवर। देखिए, सब सेल्फ हेल्प ग्रुप 9 करोड़ महिलाएं, सबसे ज्यादा पायलट भारत में, फोर्सेस में भारत की महिलाएं, हमारे वैज्ञानिकों में भारत की महिलाएं, कॉरपोरेट जगत में भारत की महिलाएं, और मेरा इंटरव्यू लेने वाली मैनेजिंग एडिटर भी हमारे टाइम्स नाउ ना भारत की और टाइम्स नाउ ग्रुप की महिला, तो अपने आप में देख। अरे, भारत की राष्ट्रपति देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्या जीवन रहा जी उनका, क्या उपलब्धियों भरा जीवन रहा। ये भारत की नई ताकत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बाकी क्षेत्रों में जो हमने किया है, वी हैव इमर्ज एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनना भारत के लिए बड़ी बात है। आज दुनिया भारत में एक उम्मीद देखती है। हमने एक बार नहीं, अनेक पटलों पर, अनेक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ की बात को रखा है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आज कौन बनता है मदद के लिए? नेपाल में भारत गया, अर्थक्वेक आया, टर्की सीरिया में भारत गया, ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से निकालने में भारत सबसे आगे गया, अफगानिस्तान में भारत ने सबसे आगे किया, और यही नहीं, क्वाड की मीटिंग हो, G7 की मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के एक्सपेंशन हो, हर जगह भारत का महत्वपूर्ण रोल। और ये मैं नहीं कहता, ये विश्व के नेता आज कहते हैं, जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी इज द बॉस, इटालियन प्राइम मिनिस्टर कहती है मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, रशिया के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज टू पैट्रियॉट, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों दिन अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं मौजूद रहे हों। ये छोटी बातें नहीं है। आपका तो इतना लंबा जीवन आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में गया, आप मुझे एक उदाहरण बताइए जब भारत के किसी एक नेता ने भारत को इतना सम्मान दिलाने का काम किया। यू आर राइट, स्टेचर ऑफ इंडिया हैज ग्रोन, बट देन राहुल गांधी रेजेस क्वेश्चंस ऑन चाइना। क्या भारत ने चाइना को अपना कुछ लैंड सीड कर दिया है? वो लद्दाख गए थे, लद्दाख में उन्होंने मोटरसाइकिल पर वहां पर घूमा, लोगों से बात की, और उन्होंने कहा, लोग बता रहे हैं कि पहले जो एरियाज हमारे होते थे वो अब हमारे नहीं है, वो चीन में चले गए हैं। इस पर सरकार की क्या पुष्टि? विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जो कांग्रेस ने दिया था, जो जख्म दिए हैं, 40,000 लोगों की हत्या वहां पर हुई, ये राहुल गांधी जी के ही परिवार और पार्टी के और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया जख्म, वो हमने ख़त्म किया 370-35 से हटा के, तब जाके नेहरू गांधी परिवार अब वापस जम्मू कश्मीर की ओर देखने लगा, वहाँ पे बर्फ़ में जाके खेलने लगा, छुट्टियाँ मनाने लगे, लद्दाख में बाइक चलाने लगे। 10 साल इनकी सरकार रही, 10 साल अब हमारी सरकार को होने वाले हैं। ये विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते थे, धन्यवादी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370-35 हटा के पथराव भी बंद कराया, गोलीबारी भी बंद कराई, आतंकवादी घटनाओं में कमी लाए, और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर, अमन शांति की राह पर लेकर गए हैं।